मुरादाबाद में पुलिस पर चेकिंग के नाम पर ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। जिला मुरादाबाद में ई रिक्शा चालकों ने पुलिस पर चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शहर के ई रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा हुए ई रिक्शा चालकों ने पुलिस पर रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग पहले से ही लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, अब पुलिस चेकिंग के नाम पर हमारा उत्पीड़न कर रही है। पुलिस ने सैकड़ों ई रिक्शा जब्त कर लिए जिसके चलते हम बेरोजगार हो गए हैं। ई रिक्शा चालकों ने पुलिस द्वारा जब्त की गई ई रिक्शाओं को वापस दिलाए जाने की मांग उठाई है और कहा है कि कोरोना की मार से भुखमरी की कगार पर थे, अब पुलिस हमारा शोषण कर रही है, आखिर हम क्या करें? अगर हम ई रिक्शा न चलाएं तो हमारे बच्चों का पालन पोषण किस तरह होगा? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुझे लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं। द्रविड़ जी, किस तरह का आज प्रदर्शन अम्बेडकर पार्क में किया जा रहा है? ये ई रिक्शा वाले जो लॉकडाउन के मारे हुए थे, तो उन्होंने अब जब से लॉकडाउन खुला है अपनी रोजी रोटी कमानी चालू करी है। जब ही से पुलिस प्रशासन इनकी गाड़ियों को जब्त कर रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ जब्त कर रखी हैं। ये भूखमरी के कगार पर हैं, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि इनकी गाड़ी वापस दो, और जो जिसमें 18,000 का तो बैटरा लगा हुआ है, और उनकी जो भी है वो वापस करें, और इन्हें कागजात पूरे करने के लिए इन्हें कुछ माह का टाइम दिया जाए, जो ये अपने कमा कर वो पूर्ति कर लें। तो आज इस संबंध में किसी को ज्ञापन भी दिया जाएगा? हाँ, ज्ञापन DM साहब को दिया जाएगा, और अगर हम 24 घंटे के अंदर ये रक्षा ना वापस दी गई तो यहीं बड़े बड़े स्तर पर भूख हड़ताल करी जाएगी, और यहाँ तक है कि ये अपने दम तोड़ने को यहाँ तैयार। लगभग कितने रक्षा चालक होंगे इस समय आपके बैनर तले? शायद शहर के सभी हैं, सभी आ रहे हैं, अभी आने में टाइम है।